हेलो फ्रेंड्स, बीना की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये दो रंग का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इस डिज़ाइन के लिए हमें 4 के मल्टीपल से फंदे चाहिए और लास्ट में 3 फंदे हमें एक्स्ट्रा रखने हैं डिज़ाइन को सेट करने के लिए। और ये डिज़ाइन हमारा 6 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। फ्रंट साइड से ऐसे दिखता है और बैक साइड से ऐसे दिखता है। तो फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा ये बना लिया है और यहाँ से मैं आपको बॉर्डर के बाद पहली सिलाई कैसे बनानी है वो बता रही हूँ। तो बॉर्डर के बाद सेकंड कलर लगाना है और सेकंड कलर से 3 फंदे सीधे बुनने, 1, 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ करना है, इस फंदे को ऐसे बिना बुने उतार लेंगे और धागे को पीछे कर देना है। तो इन्हीं 4 फंदों को हमें रिपीट करते जाना है। 3 फंदे सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ किया, 1 फंदा बिना बुने उतारा, फिर धागे को पीछे कर देना है। 3 फंदे सीधे बुने, 1, 2, 3। फिर धागा अपनी तरफ, 1 फंदा बिना बुने उतार लेंगे, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को ऐसे उतारा, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। फिर धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उतारा, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुन देने हैं। फिर धागा अपनी तरफ करना है, 1 फंदा उतारा, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ, 1 फंदा बिना बुने उतारा, धागे को पीछे करना है और लास्ट में 3 फंदे हैं इन्हें सीधा बुन देने हैं। तो इस तरह ये एक सिलाई यहाँ कंप्लीट होती है। अब दूसरी सिलाई है, उल्टी साइड है। तो उल्टी साइड में जो फंदे हमने सीधे बनाए थे उन्हें उल्टा बुनना है। तो 1 फंदा बिना बुने उतारा और ये 2 फंदे उल्टे बना दिए, और जो फंदा हमने उतारा था उसे ऐसे ही इस सिलाई में उतार देंगे। तो इन्हीं 4 फंदों को हमें रिपीट करते जाना है। 3 फंदे उल्टे बनाने, 1 फंदा बिना बुने उतारना है। तो बुने हुए फंदों को हमें उल्टा बुनना है और उतारे हुए फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, 1, 2, 3। 3 फंदे उल्टे बनाए, उतारे हुए फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, 1, 2, 3। फिर 1 फंदा उतारा, 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3। फिर 1 फंदा उतारा, 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3। फिर 1 फंदा उतारा और 3 फंदे लास्ट के उल्टे बुन देने हैं। इस तरह हमारी ये 2 सिलाइयाँ यहाँ कंप्लीट हुई। तो अब हमें फर्स्ट कलर लगाना है और सीधी साइड है डिजाइन की 3री सिलाई है। तो फर्स्ट कलर लगा के पूरी सिलाई हमें सीधी बुनकर कंप्लीट करनी है। डिजाइन हमारा 2 ही सिलाइयों का है। कलर चेंज करने के बाद हमें 2 सिलाइयाँ डिजाइन की बनानी है और बाकी सिलाइयाँ सीधी और उल्टी बुननी है। ये 3री सिलाई है, इसे पूरा सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब आ जाइए फ्रेंड्स 4थी सिलाई में। ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड हमें पूरी सिलाई उल्टी बुनकर कंप्लीट करनी है। तो 4थी सिलाई यहाँ कंप्लीट होती है। फिर 5वीं सिलाई को हमें सीधी साइड है, इसे पूरा सीधा बुन के कंप्लीट कर लेना है। पहला फंदा बिना बुने उतारा और पूरी सिलाई सीधी बुनकर कंप्लीट करनी है।
पांचवी सिलाई भी यहाँ कंप्लीट हुई। अब छठवीं सिलाई है और उल्टी साइड है। पहला फंदा बिना बुने उतारा और सारे फंदे उल्टे बुन के कंप्लीट करने हैं। आप फ्रेंड्स इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हैं और बची ऊन से भी बना सकते हैं। डिजाइन बहुत ही बच्चों के स्वेटर में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। उल्टी सिलाई भी यहाँ कंप्लीट हो गई है। इस तरह फ्रेंड्स डिजाइन की हमारी ये 6 सिलाइयाँ यहाँ कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ से कलर चेंज करके मैंने आपको डिजाइन शुरू करके बताया था। तो 2 सिलाई हमने सेकंड कलर से डिजाइन की बनाई है और 4 सिलाइयाँ फर्स्ट कलर से, एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी और एक उल्टी बनाई है। तो इन्हीं 6 सिलाइयों को फ्रेंड्स पूरे प्रोजेक्ट में रिपीट करते जाना है। तो बनने के बाद फ्रेंड्स हमारा डिजाइन ऐसे दिखता है। तो फ्रेंड्स आपको ये डिजाइन कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।